हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन टेम्पल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्लेंडर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को गाने के साथ, किसी भी सॉन्ग के साथ रिएक्ट कैसे करवा सकते हैं। तो लाइक दिस, इस तरीके से आपको मैं आज बताऊंगा कि ये एग्जैक्ट एनिमेशन हम कैसे बना सकते हैं ब्लेंडर के अंदर विद सॉन्ग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ब्लेंडर फाइल ओपन है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। दो बार ए प्रेस करके एंड एक्स प्रेस करके डिलीट किया मैंने, और ब्लेंडर रेंडर साइकिल रेंडर का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, और शिफ्ट ए प्रेस करके हम यहाँ पर प्लेन चूज करेंगे। ठीक है, एंड स्केल करेंगे इसको, और टैब प्रेस करके डब्ल्यू प्रेस करना है ताकि सब डिवाइड कर सके हम इसके अंदर। सब डिवाइड हम इसमें आपको 30, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, 30 सब डिवीज़न इसमें चलेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा काम रहेगा, इसको टैब प्रेस कर देते हैं अगेन। अगला काम है हमारा इसमें मॉडिफायर ऐड करना, जो कि रहेगा हमारे पास डिस्प्लेस मॉडिफायर। जैसे ही डिस्प्लेस मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे ये इस तरीके का शो होगा आपको, एंड देन आपको न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा जिसपे लिखा है शो टेक्सचर इन टेक्सचर टैब। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका मॉडिफायर से मटेरियल वाले ऑप्शन, टेक्सचर वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। उसके बाद आपका जो काम रहता है वो है इमेज और मूवी को टाइप है जो इसका चेंज करना है इमेज मूवी से क्लाउड में। तो जैसे ही क्लाउड चेंज करेंगे तो ये इस तरीके का शो होगा आपको, एंड देन आपको मॉडिफायर के ऑप्शन में वापस जाना है, और स्ट्रेंथ का जो ऑप्शन है उसे उस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम करना है। हम इसमें एनिमेशन तैयार करने वाले हैं सॉन्ग के थ्रू, तो वो यहाँ से तैयार होगा। तो इंसर्ट की फ्रेम करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि ब्लू एक डॉट, येलो डॉट आ जाता है यहाँ पे लाइन। ठीक है, और अब टाइम लाइन को हम चेंज कर देते हैं ग्राफिक एडिटर के अंदर, जहाँ पे हम इसका जो है सॉन्ग ऐड करेंगे इसके अंदर। तो की के ऑप्शन है यहाँ पे मेन्यू, वहाँ पे क्लिक करिएगा, और बेक साउंड टू एफ कर्व्स, बेक साउंड टू एफ कर्व्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपना साउंड, जो भी साउंड इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मेरा साउंड डेस्कटॉप पे है तो मैं यहाँ से ऑडियो उठा लेता हूँ एक। ठीक है, मैंने 30 सेकेंड की एक ऑडियो बना रखी है यहाँ पे, और आपको दिखा सकता हूँ ऑडियो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ये देख सकते हैं कर्वी लाइन है, तो ये है ऑडियो इसका। ठीक है, अगला काम है हमारा इसमें इसको टाइमलाइन पे, 3D व्यू पे जाते हैं, इसको टाइमलाइन पे चूज़ करते हैं, एंड देन अभी अगर हम इसको प्ले करेंगे सो ये एनिमेशन तैयार हो गया। तो सिंपल एनिमेशन है, अभी इसमें साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो साउंड कैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको 0 पे, एंड अगला काम आपका साउंड ऐड करने का कि आपको डेस्कटॉप पे भी साउंड सुनाई दे। तो यहाँ पे हम जाएंगे वीडियो सीक्वेंस एडिटर के अंदर, एंड देन हमारा अगला काम रहेगा ऐड के अंदर जाना, और साउंड में जाके आप जो फाइल हमने उठाई थी वही फाइल यहाँ पे चूज़ कर लेंगे ऑडियो वाली, और इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो ये लाइन है इसको हम चूज़ कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ये इसको पूरा एग्जैक्ट लाइन सॉन्ग सुनाई दे आपको। हाँ, तो ये हो गया, अब 3D व्यू पे वापस जाते हैं, एंड अगर और अब अगर आप इसे प्ले करते हैं तो आपको साउंड, ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। ये सिंपल आपको बनाना है, और आप किसी भी के ऑब्जेक्ट के साथ इसे तैयार कर सकते हैं, अपना रिएक्टर दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, सिंपल इस तरीके से। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, जिनको भी ब्लेंडर सीखना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली एक नया ट्यूटोरियल देखने को मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एजुकेशन टेम्पल में।